अलवर जिले में गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके अंदर पुलिस का खौफ नजर ही नहीं आ रहा है। पुलिस जब इन गौ तस्करों को पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी उनके पीछे लगाती है तो ऐसे में वो फायरिंग करते हैं। ऐसा ही मामला बीती रात कोतवाली थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पुलिस जब गौ तस्करों को पकड़ रही थी तो गौ तस्कर जटियाना गांव के पास खेतों में चले गए और फायरिंग हुई। गौ तस्कर अलवर शहर के तिरतोलिया के आसपास से गौवंश भरकर ले जा रहे थे। गश्त कर रही पुलिस को पता चला तो पिकअप को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन तस्करों ने पिकअप गाड़ी नहीं रोकी, तेजी से दौड़ाकर ले गए। आगे राठ नगर टी प्वाइंट की नाकेबंदी को तोड़ते हुए जटियाना के आगे पहाड़ व खेतों की तरफ भागे। वहां पर पुलिस पर फायरिंग की, जवाब में पुलिस ने कई फायर किए। आखिर तस्कर वाहन छोड़कर भाग गए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पिकअप में दो गौवंश मिले, जिनको कांजी हाउस छुड़वा दिया है। कोतवाली थाने के सहायक उपरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस रात को गश्त कर रही थी और गौ तस्कर सुभाष चौक से तिरतोलिया की तरफ आ रहे थे। एक लोडिंग पिकअप पुलिस को दिखी, जिसमें गौवंश दिखाई दिया। पुलिस ने पिकअप को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर पिकअप को देखकर पिकअप को दौड़ाने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया, अंबेडकर सर्किल से होते हुए पिकअप चालक वाहन को दौड़ा ले गए। उसी समय पुलिस ने नाकाबंदी करा दी, राठ नगर के पास नाकाबंदी तोड़कर वाहन को भगाकर ले गए। आगे वे जटियाना की तरफ से भागे, पुलिस द्वारा पीछा करते समय कई बार पथराव किया। आगे जंगल में जाकर भी बदमाशों ने फायर किए, पुलिस को भी जवाबी फायर देने पड़े। आखिर में तस्कर पिकअप से उतरकर भाग गए, खेतों से होते हुए निकल गए। पिकअप में दो गौवंश को बांधकर पटका हुआ था। रात को दौरान गश्त त्रिपोड़िया अलवर के पास हमको एक संदिग्ध पिकअप नजर आई, जिसमें गोवंश नजर आए। उसको हमारी पुलिस गाड़ी से लाइट से रोकने का इशारा दिया तो वो घंटाघर की तरफ ऑफिसर तक घंटाघर की तरफ उसने तेजी से भगाया। उस पिकअप का हमने पीछा किया और पुलिस के जो नाकाबंदी पॉइंट से हमने लगे हुए हैं उनके जरिए वायरलेस की सीआर के और इसके पश्चात हम उसका पीछा करते रहे तो वो भरो टी पॉइंट पर नाकाबंदी को तोड़ करके लगे हुए पुलिस मुलाजमान का पथराव करके वहाँ से निकल गया। हम उसका पीछा करते रहे तो जो वहाँ सरकारी वाहन था उस पर उन्होंने पथराव किया, जो गाड़ी पर भी चोटें आई, गाड़ी को नुकसान हुआ। तो हमने हमारी गाड़ी का और मुलाजमानों का बचाव करते हुए और पर्याप्त डिस्टेंस उससे रखते हुए पीछा करते रहे। उसके पश्चात वो जटियाना गांव के जंगल की तरफ चले गए, जहां हमने पथराव किया और पुलिस पर गन से मारने की नियत से हमारे ऊपर उन लोगों ने फायर किया। उसके बचाव में प्रतिरक्षा के हमने भी प्रोडक्शन गन और दूसरे वेपन से फायर किए तो वो पुलिस से घिरा हुआ देख करके गौ तस्कर बदमाश थे, वो पिकअप को छोड़ करके और अंधेरे का फायदा उठाकर छिप गए या भाग गए। हमने काफी तलाश किया पर उनको नहीं मिले। गौ तस्कर और वाहन को हमने जब्त कर लिया, गौ तस्कर गायों को और वाहन को हमने जब्त कर लिया। गायों को सुरक्षा अर्थ दो गौवंश थे उसके अंदर, जो जिसके हाथ पैर वहीं बंधे हुए थे और बहुत दयनीय स्थिति में उनको पटके हुए थे। उनकी तलाश जारी है।